आप में से कितने लोग हैं जो घर पे बिरयानी बनाते हैं? हफ्ते में कितनी बार, या महीने में कितनी बार, या साल में कितनी बार? हमेशा मैं किसी को भी पूछता हूँ कि आप घर में बिरयानी बनाएं, तो होता यह है कि वो बोलते हैं, यार कौन इतनी भेजामारी करे, मंगवा लो कहीं से या पास में से, रेस्टोरेंट में से। और उसके बाद भी जब बिरयानी आती है, उसके बाद वो बोलते हैं दम नहीं की ठीक से, या उसका मसाला ठीक नहीं है, या फिर बहुत कम जगह है जहाँ बिरयानी अच्छी मिलती है, और असमझ गए होंगे। तो बात यह है कि ऐसा क्या है कि आप घर में बिरयानी बनाने से थोड़े से कम इंटरेस्टेड होते हैं और बाहर से ऑर्डर करने में ज़्यादा होते हैं? सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जो बिरयानी है वो एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। और होता ही है कि जब आप बिरयानी बना रहे होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें का ध्यान रखने का, दम करना है, पिरस्ता बनाना है, मसाले ढूंढने हैं, उसका सही टेस्ट आना चाहिए, नमक आना चाहिए, पता नहीं क्या क्या। सो मैं एसजे, जो पिछले इतने सालों से बिरयानी का बड़ा फैन हूँ और इतने सालों से बिरयानी बना के लोगों को खिलाता हूँ, और मेरा आई लव बिरयानी करके रेस्टोरेंट भी था एक ज़माने में, 2012 से लेके 2016 तक, और बहुत बिरयानी बनाई, बहुत लोगों को खिलाई। उसके बाद क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने उस रेस्टोरेंट को नहीं चला पाया, मेरे पैशन को मैं फॉलो नहीं कर पाया। लेकिन अभी रिसेंटली, थैंक्स टू दिस कोविड सिचुएशन, ये कोरोना की वजह से जो मुझे पिछले 1-2 साल में टाइम मिला, उसके अंदर मैंने सोचा था कि मैं फिर से रेस्टोरेंट कर दूंगा, आई लव बिरयानी का, जो कि आसान था कि रेस्टोरेंट खोलें, आप बिरयानी बनाएं, लोगों को खिलाएं। बट चूंकि घर से निकलना बाहर मुश्किल है, रेस्टोरेंट्स में लोग जा नहीं रहे हैं, और अगर आपको घर पे बिरयानी बनानी है, तो फिर वही प्रॉब्लम कि आप बिरस्ता बनाओ, सब दुनिया भर का झमेला। फिर मुझे अचानक से आइडिया आया कि क्यों ना मैं ऐसा मसाला ही बना दूं कि लोग घर पे बिरयानी बना लें, और जिसमें हजामत कम हो, एकदम प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। सो फाइनली, आपने मेरे पिछले शायद ब्लॉग अगर फॉलो कर रहे होंगे, या मेरे पिछले वीडियोस अगर आप फॉलो कर रहे होंगे, तो 1-2 साल पहले मैंने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जिसके अंदर सब कुछ, मीन्स लाइक अदरक लहसुन का पाउडर से लेके जो भी आप बिरयानी में जितनी चीज़ें डलती हैं, वो सब के सब मैंने मसाले को कन्वर्ट कर दिया मसाले के अंदर, और उसके बाद उसको मैंने ऐसा बना दिया कि आप सिर्फ चिकन मटन सब्जियां जो भी लें, उसके अंदर आप सिर्फ ऐड कर दें अपने आप के मसाले को। अगर आप मसाला मिला देते हैं सब कुछ, और बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व, सिर्फ दही डालो आप और तेल मिला लो, और आपका मैरिनेशन रेडी। बिरयानी आपको सिर्फ दम करना आना चाहिए, वो भी सिर्फ आपको चावल उबालने हैं, उसके ऊपर रखना है, और डन। सो आज का वीडियो इसी के बारे में है। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे आसान तरीका घर पे प्रॉपर दम बिरयानी का क्या है। चलें। जैसा कि आप ऑलरेडी देख रहे हो कि ये मैंने सिर्फ चिकन लिया है, उसके अंदर मैंने मेरा मसाला डाला, और बिरस्ता जो साथ में ही देता हूँ मैं भी, क्योंकि बिरस्ता बनाना एक सबसे बड़ा टेढ़ा काम होता है। क्या प्याज देख तो ढेर सारी काटो, फिर उसको तलो, फिर वो पर्टिकुलर टाइम पे ब्राउन हो जाए, उसके बाद उसको निकाल लो, वरना तो या तो काली हो जाएगी या कच्ची रह जाएगी। कच्ची रह जाएगी तो उसमें पानी रह जाएगा, ज़्यादा जल जाएगी तो काली हो जाएगी, तो टेस्ट खराब हो जाएगा। प्रॉब्लम यही है कि बिरस्ता इज़ अ हेडेक। बेटर ये है कि मैं एक अलग से पाउच में आपको बिरस्ता साथ में दे दूँ, तो आपका वो हेडेक चला गया। उसके बाद होता है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो नहीं डालना है आपको मेरे मसाले के साथ, बिकॉज वो भी मैंने अंदर पाउडर बना के डाल दिया। एक होता है टमाटर, टमाटर भी मैंने अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद एक होता है भैया हमारी मसाले में कि नमक, नमक आप कितना डालोगे कि खारा ना हो जाए, क्योंकि चावल में भी नमक डालेगा, इसमें भी नमक डालेगा। तो इसमें मैंने जो नमक डाला है, वो जो अखा नमक होता है जो दरिया से सीधा सीधा आता है, उसको मैंने हाथों से कूट के डाल दिया। उससे फायदा ये होता है कि वो आयोडीन वाला नमक थोड़ा सा खारा हो जाता है, अगर जरा भी ज्यादा पड़ गया तो उसके वो केमिकल कंपाउंड्स की वजह से थोड़ा सा जबान पे ज्यादा लगता है। और जो रॉ नमक होता है, रॉक सॉल्ट, वो थोड़ा बहुत अगर कम ज्यादा हो जाता है तो भी इतना टेंशन नहीं, और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है वो। तो मैंने वो डाला है जिसकी वजह से मसाला एकदम प्रॉपर, अगर ज्यादा भी मसाला डाल दोगे अब तो खारा नहीं होगा वो। सो दैट्स वाई ऑलरेडी सब प्रपोर्शन के हिसाब से मसाले में सब डाला हुआ है।
तो आप ऑलरेडी देख रहे हो कि मैंने सिर्फ चिकन लिया, बिरस्ता डाला, मसाला डाला, दही डाला, मिला दिया, सॉर्टेड, ख़त्म। और इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि आपको बहुत टाइम तक मैरिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चिकन ले रहे हैं तो आधा घंटा भी इनफ है, वेज ले रहे हैं तो बिल्कुल मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत उसको पका सकते हैं। और मटन है तो आई सजेस्ट कि जनरली मैं तो एक नाइट पहले रख देता हूँ, लेकिन 2-3 घंटे कम से कम आप मटन को दें तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से टाइम रहेगा उसको। और अगर आपको बेस्ट मटन का एक्सपीरियंस लेना है तो बस आप एक दिन पहले उसको मैरिनेट करके और छोड़ दें उसमें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आलू। आलू अगर आप चिकन मटन या सब्जियों में अच्छे अच्छे पीसेस डालेंगे तो जो दम होने के बाद जो मज़ा आएगा वो बेस्ट रहेगा उसमें। मैंने ऐसा सोचा था कि जो लेडीज होते हैं या जो शेफ होते हैं वो तो बहुत अच्छी दम बिरयानी करते हैं, लेकिन एक अकेले लोग जो रहते हैं, जो खास करके, या फिर जिनका किचन में इतनी सारी चीज़ें नहीं होती कि वो बिरयानी पूरी बना पाएं, या फिर ऐसे लोग जो लोगों को कुकिंग इतनी अच्छी नहीं आती, वो लोग कैसे परफेक्ट दम बिरयानी करके बनाएं। तो ऐसे ख़ास लोगों को ध्यान में रखते हुए ये मसाला बनाया है। और मसाला मैरिनेट करना सबसे आसान बात है, जैसा कि आपने देखा कि सिर्फ मसाला मिलाना है, दही मिलाना है और आप उसमें बिरस्ता मिला के आप तेल थोड़ा सा डाल के हला लो और यू आर डन। द मेन पार्ट आती है दम कैसे करने का। दम में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, ख़ास करके सबसे पहले तो चावल। तो सबसे पहले चावल आपको, देखो मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरों का पता नहीं, पर चावल जो होते हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं। डेलिकेट का मतलब ख़ास करके जो जूने कच्चे 11-21 बासमती राइस होते हैं। बासमती राइस बहुत तरीके के होते हैं, मैं जो यूज़ करता हूँ वो 11-21 जूने कच्चे चावल यूज़ करता हूँ, क्योंकि अहमदाबाद में एक्चुअली मेरे को जो ऐसे चाहिए वैसे मिलते नहीं है। मैं पहले बॉम्बे से लाता था, लेकिन अभी यहाँ रिसेंटली एक दो ब्रांड्स में बासमती अच्छे कच्चे चावल मिल जाते हैं। वो चावल की खासियत ये होती है कि आप 20-25 मिनट भी अगर सिर्फ सोक कर देते हो और उसको गलती से भी सिर्फ पानी में मिला के उसको रख देने का, पानी डाल के, दैट्स इट, सिर्फ सोक करना है, उसको धोना नहीं है, उसको आप रख दो, वो 20-25 मिनट में थोड़े से फूल जाते हैं। और उसके बाद आपको पानी उबालना है, खौलता हुआ पानी उबालना है, बिकॉज अगर आप पानी को उबलते हुए पानी में अगर चावल नहीं डालेंगे तो खिल के बाहर नहीं आएंगे। तो बेटर यह है कि आप उसको पानी को उबालें, उबलने दें, जितनी ज़्यादा उबलेगा उतना ज़्यादा आपके चावल खिल के बाहर आएंगे। चावल को पानी को उबालें, उसके अंदर आप नमक डालें, इतना नमक कि पानी खारा जैसा हो जाए, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं कि खारा पानी लगे। और उसके बाद आप बस चावल, जैसे अगर 1 किलो अगर आपका चिकन है तो 700 ग्राम चावल लें, उस हिसाब से रेशियो आपका प्रोपोर्शन आप यूज़ करके आप चावल को भिगाएं। उसके बाद सोख के बाद उसको पानी उसका निकाल लें, वो पानी को ना डालें और सिर्फ चावल को निकाल के वो चावल आप उबलते हुए पानी में डालें। तकरीबन 80% तक पकने दें, यानी आप पता कैसे करेंगे, जो शेफ होते हैं उनको पता होता है या जो लेडीज होती हैं उनको पता होता है, बट अगर आपको नहीं पता है कि कैसे आपको पता करना है, तो आप चावल जब ऐसा लगे पक रहे हैं तो आप उनको उठाएं, एक चावल को आप दबाएं, अगर 2 टुकड़े हो जाते हैं तो 2 कनी, 3 टुकड़े हो जाते हैं तो 3 कनी बोलते हैं उसको, 2 कनी बोले तो 50-60%, 3 कनी बोलते हैं तो तकरीबन 80%, और उसके बाद दबना शुरू हो जाए तो 90% प्लस हो जाता है। तो 3 कनी और वो दबना शुरू है उसके बीच का वो 80% के आसपास होता है, तो वो आप एक बार मुंह में डाल के देखें, अगर आपको कड़क ना लगे और अच्छा लगे कि हाँ भाई अभी पक गए, तो उनको आप निकालना शुरू कर दें और ये जो मैरिनेशन है उसके ऊपर आप बिछा दें। उसको आप बिछाते जाएंगे तब तक वो पूरा अच्छे से पक जाएगा। बिछाने के बाद आप उसके ऊपर अगर थोड़ा घी डालें और जिस पानी में उबला है, मैं क्या करता हूँ, जो उबला हुआ पानी है उसी के अंदर से 1-2 कप पानी ले लेता हूँ और वो पानी के ऊपर छिड़क देता हूँ, तो उससे क्या होता है कि चावल में नमी भी आ जाती है और अंदर स्टीम होने के लिए थोड़ा पानी रहता है। वैसे तो दही में, चिकन में, मटन में थोड़ा पानी होता ही है, बट ये पानी की वजह से जो नमी आती है चावल में वो अच्छी रहती है। तो ऊपर से मैं डाल देता हूँ घी और ये पानी डाल के, थोड़ा सा, बहुत सारा भी नहीं, तो फिर पूरा गीला गीला रहेगा नीचे का मटेरियल। उसके बाद आपको उसको सिर्फ पैक कर देना है। अगर चिकन है या सब्जी है तो आप सिर्फ नॉर्मल फॉइल से या नॉर्मल ढक के भी आप पैक कर दोगे अच्छे से, तो इट विल बी फाइन। अगर मटन है तो आई प्रेफर कि उसको एकदम एयर टाइट आप उसको पैक करें, हो सके तो आटे से या पेपर रख के या कैसा भी आपको ठीक लगे,
उसको अच्छे से पैक करें और फिर उसको तकरीबन चिकन और वेज है उसको तकरीबन 30-40 मिनट्स आप उसको, अगर घर में आप पका रहे हैं एज ए नॉर्मल स्टोव पे तो तवा रखें जो रोटी बनाने का होता है उसके ऊपर आप ये आपका पॉट रख दें और उसके ऊपर आप उसको फुल आंच पे तकरीबन 15-20 मिनट रहने दें और उसके बाद 20 मिनट के बाद उसके ऊपर एक ऑटोमेटिकली भाप बाहर आना शुरू हो जाएगी और जैसे ही उसकी भाप शुरू आए तो उसके बाद एकदम उसको कम आंच पे रख दें और उसके बाद 20 मिनट और उसको छोड़ दें उसके हाल पे और 20 मिनट बाद यानी एग्जैक्ट 40 मिनट टोटल के बाद उसको बंद कर दें और बंद करने के बाद खोलें नहीं क्योंकि आप एकदम से खोल दोगे भाप निकल जाएगी और उसको आराम करने का, हमारी बिरयानी को आराम चाहिए होता है थोड़ा क्योंकि वो हीटेड होता है ऑलरेडी और वो हीट होने के बाद नीचे थोड़ा बहुत पानी रहता है उसको आपको जलाने की जरूरत नहीं वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा बट अगर आप उसको थोड़ी देर छोड़ देंगे उसके हाल पे तो तकरीबन 20 मिनट और उसको छोड़ दें उसके हाल पे और उसके बाद उसको खोलो। उसके बाद खोल के आप चम्मच को या कोई तवे पे जैसे कोई लंबी चीज हो जो आपके पॉट के बॉटम तक टच कर सके उसको एक बार डाल के देख लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें पानी रह गया है या परफेक्ट पक गया है और अगर जल गया है तो भी पता चल जाएगा आपको, घस के देख लें थोड़ा सा। बट आई होप कि अगर 40 मिनट तक आपने अगर अच्छे से कुक किया है तो यू डोंट नीड के इंशाल्लाह जलेगी नहीं और वो पानी भी एकदम कोरा हो जाएगा और एकदम परफेक्ट आपकी दम बिरयानी रेडी हो जाएगी। उसके बाद बस आपको निकालते ध्यान रखना है कि सबसे पहले ऊपर व्हाइट चावल का आपको लेयर हटाना है, उसके नीचे आपको एक येलो लेवल यानी लेयर मिलेगा आपको चावल का और उसके नीचे मसाला आना शुरू हो जाएगा। तो आप एकदम कॉर्नर पे से एक बार देख लें और एक बार चिकन मटन या वेज है आप उसको देख लें कि अच्छे से पक गया है या नहीं और इतने में काफ़ी हो जाता है ना, आपको इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, लगाना है नहीं, 40 मिनट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली सब पक जाएगा। चिकन को तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ऐसी चीज़ है उसको जोर से फूंक मारा तो बेचारा यू नो गल जाता है। तो ये है बस, आपकी बिरयानी ऑलमोस्ट रेडी है। अगर आप बिरयानी के ना फैन हैं और ये बिरयानी आपको बनानी है, अभी मैंने ये मसाला तो बना लिया है और मेरे को ये नहीं पता चल रहा है कि मैं उसको कहाँ कैसे अवेलेबल करूँ, लेकिन मेरी वेबसाइट है sajjadjafri.com, उस पर मैंने एटलीस्ट अपलोड तो कर दिया है ये मसाले को और वहाँ अगर आपका एड्रेस आप आईडी और कॉन्टेक्ट डालेंगे तो मैं डिस्पैच कर पाऊंगा आपको मसाले। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है कि कैसे आपको मिलेगा और मैंने उसकी वेबसाइट भी मेरी कनेक्टेड है, आप मेरे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सब कुछ डिटेल उसकी मिल जाएगी। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होएगा मेरा बिरयानी का प्रिपरेशन। दूसरा ये कि मैं ऐसे वीडियोस अभी बनाता रहूँगा और मुझे अच्छी बिरयानी की तलाश है तो मैं थोड़ी बिरयानी खुद भी बनाऊँगा और कौन अच्छी बना रहा है वो ढूंढने भी निकलूँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ आप बिरयानी के इस सफ़र पे चलें तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वर्ड बोलने में बहुत मसला होता है, सब्सक्राइब, क्या ईजी वर्ड है वैसे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज तक मुझे पता नहीं चला बेल आइकन से नोटिफिकेशन कैसे आता है, बट बेल आइकन को दबा दें जोर से और फॉलो करें मेरे पीछे, हाँ यानी ऐसे फॉलो ना करें बस। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।